डरना नहीं है हमको, झुकना नहीं है हमको, झुकना नहीं है हमको, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है। नो चैटिंग नो गपशप, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, नो चैटिंग नो गपशप। क्या सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ सुना सुना। सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। सुनो सुनो सुनो, वायरस आया वायरस आया। वायरस? कौन सा वायरस? अरे कोरोना है भाई, कोरोना। कोरोना ये कोरोना क्या होता है? अरे कोरोना एक वायरस है, वायरस जो कि पूरे देश भर में फैल चुका है और उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अरे आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है अपनी लोगों से अपनी दूरी बना के रखनी है, प्रॉपर मास्क लगाना है और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। और इसके साथ क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों के स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं? अरे इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे घर पे फोन नहीं है? क्या तुम्हारे घर पे फोन नहीं है? हाँ तो उसमें इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लगती है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। पर हमारे पास तो सिर्फ एक ही फोन है और वो प्लस वन में है और दूसरा प्लस टू में, तो हम एक साथ पढ़ाई कैसे करेंगे? अरे तो आप लोग अपना एक टाइम शेड्यूल बना लो, पहले प्लस टू वाला पढ़ लेगा फिर प्लस वन वाला पढ़ लेगा, इससे आप लोग एक ही फोन से पढ़ भी सकते हो और किसी की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। और आजकल तो टीवी में भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हो। अरे हाँ, हमने ये सोचा ही नहीं था। हमारी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा। माय गॉड, आज मुझे फोन मिलने वाला है, मैं अपने फ्रेंडों के साथ रात भर चैटिंग करूंगी और दिन भर फोन चलाऊंगी और गेम तो मैं ज्यादा ही खेलूंगी। अरे तुम क्या बोल रही हो, तुम इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करोगे। ये तुम्हारी नजरों में गलत इस्तेमाल है, मेरी नजरों में तो सही है, और पढ़ने के साथ थोड़ा खेलना भी चाहिए। फोन में कौन सा खेल होता है? फोन में बहुत से खेल होते हैं, तुम अपना देखो ठीक है। तुम जो रोज स्कूल जाते थे ना पढ़ने, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। चल चल तू भी निकल किताब। चलो बच्चों बहुत हुआ, फोन मुझे दे दो, रात ज्यादा हो चुकी है। ये लो मम्मा। मम्मी मुझे फोन दे दो। फोन? तुम्हें इतनी रात को फोन क्यों चाहिए? काम करना है। कौन सा काम करना है तुम्हें? स्कूल का। तुम्हें अब याद आया कि तुम्हें काम करना है? सारा दिन तो इन दोनों के पास होता है। तुम्हें इतनी ज्यादा कोई फोन नहीं मिलेगा? प्लीज मम्मी ले लो। नहीं प्लीज मम्मी। चलो ठीक है ले लो, पर कब तक दोगे? एक घंटे में। ठीक है एक घंटे में दे देना वहाँ से। अब मुझे फोन तो मिल गया, अब मैं क्या करूँ? चलो इंस्टाग्राम चलाता हूँ। अरे तुम फोन में क्या कर रहे थे? काम। कौन सा काम कर रहे थे, जरा फोन दिखाना। काम कर रहा है। तुम्हें फोन काम करने के लिए दिया जाता है कि गेम वगैरह खेलने के लिए दिया जाता है? तुम फोन दिखाओ ना, ये तुम काम कर रहे थे कि गेम खेल रहे थे? मम्मी को बुलाओ। मम्मी। अरे क्या हुआ, तुम क्यों लड़ रहे हो? मम्मी देखो भैया फोन चला रहे थे, आपने पढ़ने के लिए दिया था और ये फोन चला रहे थे। फोन मुझे दिखाओ। तुम गेम खेल रहे थे, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी ज्यादा खराब हो सकती है ऐसे? हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़के का, पूरा दिन खेलता रहता है फोन में। तुम्हें पढ़ना भी चाहिए खेलने के साथ, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं खेलना, पर तुम्हें पढ़ना भी जरूरी है। क्या आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही आपके बच्चे पूरा दिन सिर्फ खेलते रहते हैं। क्या आप एक बार देखने नहीं आ सकते उन्हें कि वो गेम खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? तो कृपया करके जरूर एक बार देखने आए कि वो खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। सॉरी मम्मी, आगे से मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा और आप भी पढ़ूंगा और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। अरे क्या आप लोगों को पता है कि आज हमारे स्कूल से प्रोजेक्ट आया है? हाँ हमें पता है। हाँ वैसे मुझे ना बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ पे मिला, और आप लोगों को? मुझे तो कोरोना वायरस के ऊपर मिला है, और मुझे तो इंटरनेट मीडिया के ऊपर मिला है, और मुझे सेव एनवायरनमेंट पे मिला है। मुझे तो सेव पोर्टल पे मिला है। अच्छा चलो फिर ठीक है, अपन अपना घर आते हैं ना, फिर हमें फोटो खींच के भी भेजनी है। ठीक है। देखो जरा मेरा पोस्टर कैसा बना है कोरोना वायरस के ऊपर, बहुत अच्छा। और मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बनाया है। और मेरा इंटरनेट मीडिया के ऊपर कैसा लग रहा है? हाँ और मेरा? तुम दोनों का भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सेव पोर्टल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर फोटो खींच के भेज देते हैं। नहीं पहले मेरा। अरे शांत हो जाओ, तुम क्यों लड़ रहे हो? हम एक एक करके भी तो भेज सकते हैं ना, इससे लड़ने से तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर एक एक करके भेज देते हैं। चलो। तो देखा आप लोगों ने, हमने अपनी सही सोच और समझ से अपने फ़ोन को कैसे दुरुपयोग ना करते हुए अपनी उसे पढ़ाई में लेकर आए। तो कृपया आप लोग भी फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लेकर आए। तो आइए हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। हम सब मिलकर मिलकर ये शपथ लेते हैं हम
हम फोन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक सारी चीज़ों से दूर रहेंगे और फोन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जय हिंद।